जिस्म के फालतू बाल खत्म करने के नुस्खे। दोस्तों, ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जो अपने चेहरे और जिस्म के फालतू बालों से परेशान रहते हैं। ये नुस्खे सिर्फ चंद दिन इस्तेमाल करें, आपके चेहरे के फालतू बाल हमेशा के लिए गायब हो चुके होंगे। बहुत सी खातीन चेहरे पर फालतू बाल निकल आने की वजह से परेशान रहती हैं, क्योंकि इसकी वजह से चेहरे की खूबसूरती में काफी कमी आ जाती है। अक्सर खातीन चेहरे के फालतू बालों से निजात पाने के लिए वैक्सिंग, थ्रेडिंग और ब्लीचिंग का इस्तेमाल करती हैं, जिससे चंद दिनों के लिए तो बाल साफ हो जाते हैं, मगर चंद दिनों बाद फिर से परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो इसके लिए आज आपको एक जबरदस्त तरीका बताया जा रहा है, जिससे चेहरे के गैर जरूरी बाल हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। दोस्तों, तरीका नंबर एक, आप जैसे जैसे ये तरीका इस्तेमाल करती जाएंगी, बाल कुदरती तौर पर आना बंद हो जाएंगे, और इस कुदरती तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस तरीके में कुछ अज्जा ये हैं: मैदा 2 खाने के चम्मच, फटकड़ी 1 चुटकी, अर्के गुलाब हसबे जरूरत। इसको बनाने का तरीका कुछ यूं है। सबसे पहले एक बर्तन ले लें और फिर इसमें 2 खाने के चम्मच मैदा डालें और फिर उसमें 1 चुटकी फटकड़ी और हसबे जरूरत अर्के गुलाब शामिल कर लें, जिससे एक हल्का गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। तरीका इस्तेमाल कुछ यूं है। अब आप इस पेस्ट को अपने पूरे जिस्म पर लगाएं या सिर्फ गैर जरूरी बालों पर लगा लें। जैसे ही पेस्ट खुश्क हो जाए तो हाथ के साथ रगड़कर उतार दें। ये तरीका 3-4 दिन तक रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल करें और फालतू बालों का आ जाना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों, तरीका नंबर दो, इससे भी फालतू बाल आना हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अक्सर खातीन के चेहरों पर गैर जरूरी और नापसंदीदा बाल हार्मोन्स प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। महाना आयाम में बेकायदगी हो तो चेहरे और हाथों के साथ साथ टांगों पर भी गैर जरूरी बालों की अफजाइश होने लगती है। चेहरे के बालों को ख़त्म करने के लिए खातीन ब्लीचिंग, वैक्सिंग और थ्रेडिंग का बड़ी बाकायदगी से इस्तेमाल करती रहती हैं। इन नापसंदीदा बालों से छुटकारा पाने के लिए खातीन हर किस्म के तरीके भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन होता यह है कि हर बार मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करने के बाद ये बाल इसी शिद्दत के साथ आने लगते हैं। दोस्तों, चेहरे के इन गैर जरूरी और नापसंदीदा बालों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन शर्त मुस्तकिल मिजाजी है। इसको बनाने का तरीका कुछ यूं है: अंडे की सफेदी 1 अदद, मकई का आटा 1 खाने का चम्मच, अंडे का मास्क चेहरे के फालतू बालों को ख़त्म करने के लिए वैक्सिंग जैसा काम करता है। ये बहुत आसानी से घर पर तैयार हो जाता है। आपने ये मास्क तैयार करने के लिए 1 अदद अंडे की सफेदी लेनी है और इसमें 1 खाने का चम्मच मकई का आटा शामिल करके अच्छी तरह फेंट लें, ताकि एक हमवार पेस्ट बन जाए। इसका तरीका इस्तेमाल कुछ यूं है। अब इस पेस्ट को वहां पर लगाएं जहां पर फालतू बाल हों। जैसे ही पेस्ट खुश्क हो उसे हाथ के साथ रगड़कर उतार लें। ये तरीका 1 माह तक बाकायदगी से इस्तेमाल करें। यकीन करें कि आपको गैर जरूरी बालों से निजात मिल जाएगी और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। 1 दिन छोड़कर भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तरीका नंबर 3, न्याजबू के पत्तों से भी चेहरे के बालों का खात्मा किया जा सकता है। इसका तरीका इस्तेमाल कुछ यूं है: न्याजबू के पत्ते प्याज के पानी में रगड़कर रोजाना अपने चेहरे के बालों पर लगा लें। कुछ अरसे बाद बाल कम होना शुरू होने लगेंगे। चंद हफ्तों तक ये अमल जरूर आजमा लें, इंशाल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी।